और इसी के साथ ही रायपुर से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बड़ा बयान। सीएम भूपेश के ट्वीट पर किया पलटवार, छत्तीसगढ़ में हुए भ्रष्टाचार का कितना पैसा कर्नाटक चुनाव में गया, शराब कोल घोटालों का कितना पैसा कांग्रेस हाईकमान को दिया। कांग्रेस की बैठक को लेकर चंदेल ने कसा तंज, छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है। विधायक छन्नी साहू के मामले पर कहा, चालान पटाने के लिए मंगलसूत्र देना पड़ जाए यह दुर्भाग्य, विधायक के साथ यह पहली बार नहीं हुआ, ऐसी घटना कई बार उनके साथ घटी है। विधायक छन्नी साहू ने जुर्माना पटाने दिया था मंगलसूत्र। चुनाव के बारे में अभी से कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है तो हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार का कितना पैसा कर्नाटक चुनाव में गया है, कांग्रेस पार्टी को किस नेता के हाथ में गया है, शराब घोटाले का, कोल घोटाले का कितनी राशि उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को कर्नाटक चुनाव के लिए दिया है, आज मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस की बैठक में बताना चाहिए। देखिए, वो तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, वो कांग्रेस की प्रभारी है शैलजा जी, वो शायद फीडबैक लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में, पूरा छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार की आग में जो जल रहा है, शायद उसकी खबर लेने वो आएंगे। मैंने भी आज समाचार पत्रों में पढ़ा है कि खुज्जी क्षेत्र की कांग्रेस के विधायक श्रीमती चन्नी साहू, जो कांग्रेस पार्टी की एक मुखर विधायक है, सक्रिय विधायक है, लेकिन दुर्भाग्य यह है इस राज्य में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में, कि कांग्रेस के एक सक्रिय विधायक को भी चालान पटाने के लिए ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है कि उन्हें अपना मंगलसूत्र निकाल करके देना पड़ता है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। यही भूपेश सरकार का असली चेहरा है, और यह चन्नी साहू जी के साथ में एक घटना नहीं, इस प्रकार की कई घटनाएं घटित हुई। उनके पति को प्रताड़ित किया गया, झूठे मुकदमे में फंसाया गया,